हेलो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पेटीएम वॉलेट में पैसे कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हमें अपने क्रोम पे पेटीएम को ओपन करना है। चलिए हम क्रोम पे अपने पेटीएम को ओपन करते हैं। यहाँ सर्च करेंगे paytm.com। दोस्तों, मैंने इस पर पहले ही लॉगिन कर रखा है, तो आप भी लॉगिन कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये पेटीएम वॉलेट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आते हैं ऐड मनी टू वॉलेट। तो दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ हमें जितना भी अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड करना है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। मुझे अभी आपको उदाहरण के लिए मैं 10 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड मनी टू वॉलेट। दोस्तों, अगर आपने कभी डेबिट कार्ड यूज़ किया होगा पेमेंट ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा जो भी आपने डेबिट कार्ड यूज किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल का है, एयरटेल पेमेंट बैंक का है, SBI का है। तो दोस्तों, मैं पंजाब नेशनल का यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कोई अदर डेबिट कार्ड है तो उसके लिए आप ये डेबिट कार्ड साइड में देख सकते हैं, ऑप्शन हैं भीम पे यू मनी का भी है, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप पैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CV नंबर डालकर पेमेंट ऐड कर लीजिए। तो मेरे पास पहले से ये सेव है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं अपना यहाँ CV नंबर डाल देता हूँ और प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका जो भी बैंक में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा। उस OTP के एंटर करने के बाद ही आपके पैसे ऐड हो पाएंगे। दोस्तों, ये OTP किसी के साथ शेयर मत कीजिए, वरना आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका डेबिट कार्ड कोई और भी यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, अपना CV नंबर किसी को ना बताएं कभी भी, चाहे वो कोई बैंक से ही फ़ोन करके क्यों ना पूछे। CV नंबर और OTP तो बिल्कुल कभी नहीं बताए। तो दोस्तों, मैं इसमें, मेरे पास OTP आ गया है, तो मैं अभी OTP इसके अंदर एंटर करता हूँ। और सबमिट कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन इज विनिंग प्रोसेस। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वॉलेट में पैसे ऐड हो चुके हैं। वॉलेट में अब 10 रुपये ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी बैंक से या किसी भी वॉलेट से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।